आपको सुनाने हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गाना मिस हो। अभी हम एरा वाइज आगे बढ़ते हैं और वंस मोर का वन मोर करना इज मोर बेनिफिशियल ना, बाय वन गेट वन फ्री होना चाहिए, मैं समझती हूँ। चलिए एरा वाइज हम बढ़ते हैं आगे और जहाँ अभी हमने नूतन जी कितने दो खूबसूरत गीत सुने, आप सबने सराहे, वहीं अब आगे बढ़ते हैं। 50s, 60s की हम बात करें, अब थोड़ा हम 70s को भी टच करने वाले हैं और स्पेशली उन अभिनेत्रियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ अपने अभिनय से ऑडियंस का दिल जीता बल्कि अपने डांस से भी, क्लासिकल डांस से भी एक अलग दबदबा इंडस्ट्री में बनाया। अगली अदाकारा जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो दक्षिण भारतीय फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई। शुरुआत तो उन्होंने 16 साल की उम्र में की, भरतनाट्यम डांस हो या कर्नाटिक संगीत, दोनों में ही इन्होंने महारत हासिल की और उस दौर में इन्हें टाइटल मिला फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार का। आई थिंक कोई बोल रहा था पीछे, गैस कर लिया, क्या बात, वैजयंती वाला जी की हम बात कर रहे हैं। अगला गीत पेश करने के लिए शैलजा सुब्रमण्यन जी मंच पर आ रही हैं और वैजयंती वाला जी का फेस अगर आप आज भी जैसे उनके ओल्ड एज में भी देखें तो एक अलग ही इनसेंस तो नहीं, एक अलग ही चपलता, एक अलग ही एक्सप्रेसिव उनकी आंखें हैं, उनका फेस है और जिस तरह से यूटिलाइज किया गया डायरेक्टर्स ने, जिस तरह से उन्हें यूटिलाइज किया फिल्मों में, दैट वाज वेरी यूनिक। चाहे आप नागिन की बात करें, नया दौर की बात करें या फिर फिल्म कठपुतली की बात करें, तो सारे ही फिल्म कहीं ना कहीं उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुए और सारे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने ऑपोजिट काम किया। अगला जो गाना है वो बड़ा चंचल प्रकृति का है, नटखट सा है, बड़ा अमेजिंग सा है और जिस तरह से शैलजा जी और कोरस टीम आपके लिए पेश करेंगे, हम डेफिनेटली एवी के साथ 60s के दौर में ही चल रहे हैं, विजयंती माला जी के पास ही चल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये।